classes. So students, in my previous lecture I have discussed you chapter 9 India climate flora and fauna, and now today I will continue the same chapter. So student, before starting the chapter I am giving you revision of my previous lecture. So maine jaisa ki apne previous lecture mein aapko bataya tha ki climate of India is greatly influenced by two hawks, that is Tropic of Cancer and the second is the Great Himalayas. Theek hai, and now factors affecting climate of India, जिसमें मैंने आपको बताया था कि latitude and topography, secondly influence of the Himalayas and third is altitude. So student, today I will continue the remaining factors affecting climate of India. Okay, तो next factor है हमारा distance from the sea. ठीक है, तो distance from the sea की अगर हम बात करें तो the places situated in the interior experiences extreme or continental type of climate. ठीक है, तो समुद्र से दूरी का भी बहुत फर्क पड़ता है किसी भी स्थान की जलवायु के लिए. ठीक है, तो जो प्लेसेस हमारे बहुत ही इंटीरियर में सिचुएटेड होते हैं उनमें कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, एक्सट्रीम टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है. ठीक है, तो जो प्लेसेस हमारे सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, बहुत ही मतलब अंतर गहराई में जो प्लेसेस स्थित होते हैं उनमें कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, हमारी एक्सट्रीम टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है. ठीक है, वेयर इज प्लेसेस सिचुएटेड एट द कोस्ट, और लेकिन जो प्लेसेस हमारे कोस्ट मतलब कि तट के पास स्थित होते हैं उनमें कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, इक्विवेलेंट टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है. इक्विवेलेंट टाइप की क्लाइमेट हमारी होती है समान जलवायु. ओके, तो जो प्लेसेस हमारे कोस्ट के पास होते हैं, कोस्ट यानी तट के पास जो हमारे प्लेसेस होते हैं वहां पर कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, इक्विवेलेंट टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है. ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया मुंबई सिचुएटेड एट द कोस्ट. जैसा कि आपको पता है कि मुंबई हमारा कहाँ स्थित है, मुंबई हमारा कोस्ट मतलब तट पर स्थित है. ठीक है, तो वहां पर कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, वहां पर इक्विवेल क्लाइमेट पाई जाती है, मतलब गर्मी भी नहीं होती बहुत ज्यादा और ठंड भी नहीं होती, मतलब समान जलवायु पाई जाती है. वेयर एज लखनऊ एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन लखनऊ में हमारी कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, एक्सट्रीम टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है. ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ओके, तो नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हमारे होते हैं वो पश्चिम से जो डिस्टर्बेंस होते हैं या हमारे पश्चिमी जो साइक्लोन यानी चक्रवात जो आते हैं उसकी वजह से भी किसी एरिया की क्लाइमेट बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है. ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और टेम्परेट साइक्लोन्स ऑरिजिनेट इन मेडिटेरियन सी ड्यूरिंग विंटर एंड ब्रिंग रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड स्नोफॉल इन द हिमालय. तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी क्या हो जाता है कि जो हमारे जो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं ये कहाँ पर ऑरिजिनेट होते हैं, ये हमारे मेडिटेरियन सी में ऑरिजिनेट होते हैं. ठीक है, तो जिनकी वजह से क्या होता है कि विंटर में ड्यूरिंग विंटर, तो विंटर में क्या होता है कि ब्रिंग रेनफॉल, विंटर में ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत में इन डिस्टर्बेंस की वजह से या साइक्लोन की वजह से क्या होता है कि बहुत भारी वर्षा होती है, ब्रिंग रेनफॉल. ओके, ब्रिंग रेनफॉल. So these western disturbances bring rainfall in winter in northwest part of India. ठीक है, and snowfall in the Himalayas. और Himalayas में क्या होता है, snowfall होता है during the western disturbances. Okay, तो during summer, अब summer की बात करें कि summer में क्या होता है, तो during summer the whole of eastern coast of India, during summer the whole of eastern coast of India, eastern coast of India. ठीक है, तो समर की बात करें तो समर में क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कि जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो हमारा पूर्व का जो तटीय भाग है पूरा, ठीक है, उसमें कैसे अंडर द कम्स अंडर द कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंडर में आ जाता है. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हैवी लॉस
हैवी रेनफॉल हो जाती है और हिमालय रीजन में क्या होता है, स्नोफॉल होने लगता है। लेकिन समर में क्या हो जाता है कि जितना भी हमारा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है वो इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंडर में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द अपर एयर करंट्स और जेट स्ट्रीम। The upper air currents or jet streams. The upper air currents or jet stream. तो अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं कि the upper air currents or jet stream affect the onset and departure of the monsoon. तो ये जो हमारे upper air currents और jet stream है ये मानसून के डिपार्चर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया लाइक लैटिट्यूड एंड टोपोग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ द हिमालयस, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड अपर एयर करंट्स एंड जेट स्ट्रीम। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लाइमेट कंट्रास्ट। ठीक है, तो उस क्लाइमेट कंट्रास्ट की अगर बात करें तो जैसा कि मैं आपको बताई चुकी हूँ कि ड्यू टू इस वास्ट साउथ एक्सटेंट, जैसे कि पता है कि आपको भारत का जो नॉर्थ साउथ का जो एक्सटेंट है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब उत्तर से जो दक्षिण का जो भारत का भाग है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इंडिया एक्सपीरियंस इज शार्प क्लाइमेट कॉन्ट्रास्ट, जिसकी वजह से भारत में बहुत ही क्लाइमेट कॉन्ट्रास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो द प्लेसेस टू द नॉर्थ, सबसे पहले बात करते हैं कि द प्लेसेस टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो भारत के अगर उत्तर की बात करें तो वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से इंडिया डिवाइडेड इनटू टू हॉल्स, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन में कैसी क्लाइमेट पाई जाती है, जैसे कि मैं आपको बताई चुकी हूँ कि कॉन्टिनेंटल और एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है। तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारी क्या होती है कि बहुत ज्यादा ठंड, मतलब गर्मियों में क्या होता है, समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और विंटर में बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारी क्या होती है, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। ठीक है, एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। ओके, तो समर हमारे क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं और विंटर हमारे क्या होती है, बहुत कोल्ड होती है। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल टेम्परेचर राइजेस अप टू 55 डिग्री सेल्सियस इन राजस्थान। तो जो टेम्परेचर होता है वो राजस्थान में गर्मियों में क्या हो जाता है समर में कि 55 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। वाइल्ड इन ड्रास नियर कारगिल, और जबकि हम कारगिल के ड्रास की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा विंटर में क्या हो जाता है, लो हो जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मतलब अलग अलग जगह की क्लाइमेट में कितना कॉन्ट्रेस्ट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नाउ नेक्स्ट इज कि द एनुअल द प्लेसेस अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ टेम्परेट जोन में हमारी एक्सट्रीम टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है और वेयर एज साउथ टेम्परेट जोन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट अगर हम बात करें
की स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर, तो हिमालय की वजह से विंटर में क्या होता है कि बहुत स्नोफॉल होता है, जबकि साउथ में विंटर में क्या होता है कि जो प्लेसेस हमारे बहुत हाई एल्टीट्यूड में होते हैं डू नॉट रिसीव एनी स्नोफॉल, तो उनमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार का स्नोफॉल नहीं होता है क्योंकि वो इक्वेटर के नियर होते हैं, ठीक है। तो हिमालय रिसीव स्नोफॉल इन विंटर व्हाइल इन द साउथ देयर इज नो स्नोफॉल बिकॉज दे आर नियर टू द इक्वेटर, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होगा मतलब प्लेसेस रिसीव सो मेनी डिफरेंस इन क्लाइमेट, तो ये क्लाइमेट कंट्रास्ट हर जगह का क्या होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज चेंज ऑफ सीजंस इन इंडिया, चेंज ऑफ सीजंस इन इंडिया। अब हम भारत में बात करते हैं कि जो हमारे सीजन जो चेंज होते हैं, चेंज ऑफ सीजन इन इंडिया, ठीक है। तो इंडियाज टैपरिंग पेंसुलर टोपोग्राफी सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय वाटर, जैसा कि आप जानते हो कि भारत की जो पेंसुलर टोपोग्राफी है, जो भारत प्रायद्वीपी भारत की अगर टोपोग्राफी की बात करें तो जो हमारा प्रायद्वीपी भारत है इट इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स बाय वाटर, तो वो तीनों ओर से कैसे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, ठीक है। तो एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ मॉनसून वेव्स एंड रिजल्टिंग इन यूनिक क्लाइमेट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ फोर सीजन, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि भारत में जो क्लाइमेट सिस्टम की बात करें तो देयर आर फोर सीजन, तो चार सीजन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉनसून्स, ओके मॉनसून्स, ठीक है। तो द वर्ड मॉनसून ऑरिजिनेट टू एन अरेबिक वर्ड, तो ये जो वर्ड मॉनसून है ये हमारा किससे लिया गया है, अरेबिक वर्ड से लिया गया है, अरेबिक वर्ड दैट इज कॉल्ड अरेबिक वर्ड मौसम, ठीक है, मौसम जिसका मीनिंग होता है मीनिंग सीजन, ओके। तो वर्ड मॉनसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम दैट मीनिंग सीजन, ठीक है। तो दीज विंड्स रिजर्व देयर डायरेक्शन सीजनली, तो ये जो विंड्स होती हैं, ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं, ये डायरेक्शन को क्या करती हैं, सीजनली रिजर्व करती हैं, ठीक है। दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, तो ये जो मॉनसून विंड्स होती हैं ये बहती हैं साउथ वेस्ट से मतलब कि दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर 6 months में ब्लो करती हैं, एंड देन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट फॉर अनदर 6 months, और फिर बाद के जो 6 months में ये कहाँ से ब्लो करती हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर, ठीक है। तो हैंस दे आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, तो तब उनको क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि द वर्ड मानसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम दैट मीनिंग सीजन, तो ये जो हमारी मानसून विंड्स होती है ये रिजर्व करती है डायरेक्शन को सीजनली, तो क्या समर में क्या होता है, दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट टू 6 months, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द 6 months दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ मानसून वेरिएशन द ईयर में बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन सीजन, तो मानसून जैसे कि मैंने आपको बताया कि मानसून में बहुत ही वेरिएशन पाया जाता है जिसकी वजह से ईयर को हम अपने साल को 4 सीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 सीजन्स, फर्स्ट इज द हॉट ड्राई मानसून, द हॉट ड्राई सीजन, तो जो हमारा हॉट ड्राई सीजन होता है ये हमारा मार्च टू मई का, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉट ड्राई सीजन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द रेनी सीजन, द रेनी सीजन, रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो रेनी सीजन जो हमारा होता है ये हमारा जून टू सितंबर तक होता है, जून टू सितंबर, ओके। तो रेनी सीजन हमारा जून टू सितंबर तक होता है। नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट सीजन इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो अब हम रिट्रीटिंग सीजन की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ओके, अक्टूबर एंड
the last is, and large folks